हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फिल्टर पर। आज रोहित शर्मा का जन्मदिन है। रोहित शर्मा आज अपना 32वां जन्मदिन मनाएंगे। ऐसे में उनकी चर्चा न हो ये कैसे हो सकता है, इसलिए आज हम रोहित शर्मा के लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे। हिटमैन रोहित शर्मा को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने बैटिंग के दम पर पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया है। रोहित और रितिका की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। रितिका पहले रोहित शर्मा की मैनेजर थी। रितिका से मिलने के बारे में रोहित ने एक चैनल पर बताया कि वो शूट कर रहे थे। उस समय उनके पास मैनेजर नहीं था, ऐसे में उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। यह देखकर रितिका ने उनकी मदद की और इसके बाद दोनों करीब आ गए। काफी जल्द दोनों अच्छे दोस्त बने और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 6 साल डेट करने के बाद रोहित ने रितिका को प्रपोज करने का फैसला किया। रोहित ने रितिका को बहुत ही खास जगह प्रपोज किया। रोहित ने रितिका को बोरीवली स्पोर्ट क्लब में अंगूठी देकर प्रपोज किया। ये वही जगह है जहां 11 साल की उम्र में रोहित ने अपने करियर की शुरुआत की थी और यहीं पर रोहित को सबसे बड़ा गिफ्ट उनके लाइफ पार्टनर के रूप में मिल गया। आज दोनों की एक बेटी है जिसका नाम समायरा है। रोहित शर्मा को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोहित शर्मा ऐसे ही रिकॉर्ड तोड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। आशा करूंगा कि रोहित शर्मा ऐसे ही आगे भी अच्छा खेले और इंडियन टीम को जिताए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट फिल्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।